दोस्तों, आज बुल्ली को मुर्दा घर में गार्ड की नौकरी लगी है और आज बुल्ली का पहला दिन है। और बुल्ली ये नहीं चाहता कि नौकरी के पहले दिन ही बुल्ली से कुछ गड़बड़ हो और मालिक उसे पहले दिन ही नौकरी से निकाल दे। इसीलिए बुल्ली आज मुर्दा घर का अच्छे से ध्यान रखेगा। लेकिन ये मुर्दा घर एक वीराने जगह पर है और इस मुर्दा घर से दूर दूर तक कहीं भी घर दुकान नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, ये मुर्दा घर एक हॉन्टेड मुर्दा घर है और इस मुर्दा घर में जो कोई भी गार्ड की नौकरी करता है वो रात में यहाँ से भाग जाता है या फिर मारा जाता है, क्योंकि रात में इस मुर्दा घर के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। तभी वहाँ पर कार से कोई आता है। बुल्ली बोलता, अभी तो रात के 11 बज रहे हैं और आखिरकार इतनी रात को इस मुर्दा घर में कौन आ सकता है। अरे, ये तो इस मुर्दा घर का मालिक है। बुल्ली बोलता, सर आखिरकार इतनी रात को यहाँ पर क्या करने आए हैं। मुर्दा घर का मालिक बोलता है कि मैं तुम्हें बस ये बताने आया हूँ कि तुम इस मुर्दे घर का अच्छे से ख्याल रखना और अगर ये मुर्दा घर से एक भी लाश गायब हुई तो मैं उस लाश की जगह पर तुम्हें लेटा दूंगा। बुल्ली बोलता, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं बहुत ही बहादुर हूँ, पर मुझे तुम्हें एक और बात बतानी थी। बुल्ली बोलता, वो क्या। मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, ये मुर्दा घर एक आम मुर्दा घर नहीं है, बल्कि ये मुर्दा घर एक हॉन्टेड है और यहाँ पर रोज अजीबोगरीब घटनाएं होते रहती है और यहाँ पर जो गार्ड भी आता है वो भाग जाता है या फिर मारा जाता है। बुल्ली उस आदमी की बात सुनकर डर जाता है। सर, ये बात आपको पहले बताना चाहिए था, अगर मुझे पहले ही पता रहता कि ये मुर्दा घर एक हॉन्टेड है तो मैं यहाँ पर कभी नौकरी ही नहीं करता और मैं रात भर यहाँ पर अकेले कैसे रहूँगा। और मैं तो बोलता हूँ कि आप भी मेरे साथ रहिए, मुझे थोड़ा डर कम लगेगा। वो आदमी बोलता, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। बुल्ली बोलता, मैं आपको यहाँ से अकेले जाने नहीं दूंगा, बल्कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे यहाँ पर अकेले मरना नहीं है। मुर्दा घर का मालिक बोलता, नहीं, अब ये नहीं हो सकता, तुमने एडवांस भी पैसे ले लिए हैं, अब तुम्हें यहाँ पर नौकरी करनी ही पड़ेगी। बुल्ली बोलता, मैंने आपसे एडवांस पैसे लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मेरे पैसे से अभी गुल्ली और सोन मौज उड़ा रहे होंगे। और फिर वो आदमी जाते जाते बुल्ली को एक दारू की बोतल दे देता है। बुल्ली बोलता, ये क्या है। अगर तुम्हें रात में ज्यादा डर लगे तो ये थोड़ा सा पी लेना, तुम्हें डर कम लगेगा। और अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि रात काफी ज्यादा हो रही है, शहर पहुँचते पहुँचते मुझे एक घंटा और लगेगा और सुबह होते ही मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आ जाऊंगा। और फिर वो आदमी इतना बोलकर वहां से चला जाता है और अब बुल्ली इस मुर्दा घर में बिल्कुल अकेला है। और इधर गुल्ली और सोन बुल्ली के कमाए हुए पैसे से पार्टी शार्टी कर रहे हैं। बुल्ली बोलता, सोन आज डांस रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद बुल्ली के पैसे से ऐश करने का मौका मिला है और आज सिस्टम फाड़ देना है। और फिर गुल्ली और सोन दोनों ठुमके लगाना चालू कर देते हैं। कौन है रे, छोड़ेंगे नहीं, कौन है जो मुझे डराएगा, हिम्मत है तो मेरे सामने आ। लेकिन अब शायद बुल्ली को पता नहीं है कि बुल्ली ने मुर्दा घर के भूतों को चैलेंज कर दिया है और मुर्दा घर के अंदर तो हलचल मच चुकी है, लाशें इधर से उधर हो रही है, जैसे लग रहा है कि इस मुर्दा घर की लाशें कुछ कहना चाहती है। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहती है। और इधर बुल्ली तो दारू पीने के बाद मुर्दा घर के बाहर तो तोड़ फोड़ कर रहा है। सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। बुल्ली इतना शोर मचा रहा है कि मुर्दा घर के अंदर के लाशों को सोने में दिक्कत हो रही है
इसीलिए मुर्दा घर के अंदर दिए का लाश उठता है और बुल्ली को मारने के लिए चला जाता है। और इधर बुल्ली तोड़ फोड़ कर ही रहा होता है, तभी वो लाश आता है और बुल्ली पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे कि बुल्ली वहीं पर बेहोश हो जाता है और बुल्ली के सर से तो काफी खून भी बह रहा है। और इधर गुल्ली और सोन पार्टी शार्टी करने के बाद आराम से सोफा पर लेटे हुए हैं। सोन बोलता, गुल्ली आज तो मजा ही आ गया, अगर बुल्ली भी यहाँ होता तो वो कितना एंजॉय करता। गुल्ली बोलता है, बुल्ली से याद आया, हमें उससे फोन कर पूछ लेना चाहिए या आखिरकार उसकी नौकरी कैसी है, बेचारा पहली बार गार्ड की नौकरी कर रहा है। सोन बोलता, रुको अभी मैं बुल्ली को फोन लगाता हूँ। सोन बोलता, बुल्ली तुम कैसे हो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। सोन की बात सुनकर बुल्ली रोने लगता है। सोन बोलता, क्या हुआ बुल्ली, आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो। बुल्ली बोलता, क्या बताओ सोन, यहाँ पर आकर मैं फंस चुका हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं नौकरी कर रहा हूँ वो मुर्दा घर एक श्रापित मुर्दा घर है और यहाँ पर तो अजीबोगरीब चीजें हो रही है, और अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे किसी ने डंडे से मारा है और मुझे लगता है कि अगर मैं रात भर यहाँ रुका तो मैं सुबह तक मर जाऊंगा। सोन बोलता, ये क्या बोल रहे हो बुल्ली, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और इतना सोन के बोलते ही फोन कट जाता है। बुल्ली बोलता, फोन का बैटरी को भी अभी ही खत्म होना था। और इधर बुल्ली बोलता, क्या हुआ सोन, आखिरकार बुल्ली क्या बोल रहा था। सोन बोलता है, बुल्ली बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ है। बुल्ली बोलता, ये क्या बोल रहे हो सोन, साफ साफ बताओ आखिरकार बात क्या है। सोन बोलता है, जिस मुर्दा घर में बुल्ली गार्ड की नौकरी करने के लिए गया था वो मुर्दा घर एक हॉन्टेड मुर्दा घर है और बुल्ली के साथ वहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, हमें जल्दी से वहाँ पर पहुँचना होगा। बुल्ली बोलता, तब तो हमें वहाँ जल्दी पहुँचना होगा, जल्दी मेरे पीछे आओ। और फिर बुल्ली और सोन स्कूटर पे बुल्ली के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। और इधर तो मुर्दा घर के अंदर से डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है। बुल्ली उस मुर्दा घर के अंदर झांक कर देखता है, लेकिन तभी बुल्ली को अचानक से कोई अंदर खींच लेता है। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा बुल्ली का, क्या गुल्ली और सोन बुल्ली को बचा पाएंगे या फिर गुल्ली और सोन भी उस मुर्दे घर में फंस जाएंगे, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।